Hello everyone, welcome to my channel Tutor Abhi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आप सभी को पता ही होगा कि आपके जो PTU के भी सेमेस्टर एग्जाम हैं वो ऑनलाइन मोड में होने जा रहे हैं. एंड जो बच्चे अभी फर्स्ट सेम में थे या फिर जो थर्ड सेम के लीड स्टूडेंट हैं, उन्हें अभी तक उनके लॉग इन आई डीज़ नहीं मिले हैं. एंड उन्हें अभी तक ये भी डाउट था कि उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कब से फिल होंगे, एंड उनके अभी एग्ज़ाम के डेट भी नहीं आया है. सो गाइज, PTU ने आज ही एक नोटिस अपलोड किया है. अभी इस नोटिस में PTU ने क्लियरली मैंशन किया है कि जो एग्जामिनेशन है वो तो ऑनलाइन मोड में होंगे, लेकिन इसमें डेट भी मेंशनड है कि अब कब से कब तक जो फ्रेशर हैं या फिर थर्ड सेमेस्टर के लीड स्टूडेंट हैं वो कब से कब तक अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं. सो इसमें क्लियरली मेंशनड है कि जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो 31st of December से 10th of January तक टाइमिंग है, आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं. फिर अगर आप 10th of January तक फिल नहीं कर पाते हैं तो फिर लेट फीस है 15th of January तक 1000 रुपीज़, देन 20th तक है 2000 रुपीज़, जो इंक्रीज़ होता जाएगा. एंड उसके बाद अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो कितना है 5000 रुपीज़. सो डेट तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब बच्चों को ये भी डाउट है कि एग्ज़ाम मीन्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देना कैसे है. तो इस 6th पॉइंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें क्लियरली मैंशनड है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो अप्रैल मई 2021 वाले सेशन का जो एग्ज़ाम था वो सेम पैटर्न फॉलो करना है. अब जो फ्रेशर है वो तो उस टाइम पे नहीं थे, या फिर जो लीड स्टूडेंट हैं वो अप्रैल में का एग्ज़ाम तो दिए नहीं थे. तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ कि हम कैसे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो हमें देना है. स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्कस किया है, उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप आई टैब पर जाकर उन दो वीडियोज़ को देख सकते हैं. तो ये हो गया. अब जो एग्ज़ाम फॉर्म की कितनी फ़ीस है, 1000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है. एंड फिर आपको एक स्टूडेंट रिलेटेड फ़ीस होती है जो आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिख रहा होगा 1150, आपको वो भी पे करना होता है. एंड इसमें ये भी एक ऑप्शन आता है वहाँ पे जो HOD की तरफ से क्लियरेंस मिलता है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद. उसमें क्या होता है कि नो ड्यूज़ का एक क्लियरेंस होता है. तो अगर आपका नो ड्यूज़ का क्लियरेंस जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म को आप फिल कर देंगे लॉगिन आईडी मिलने के बाद, तो वहाँ पे एक सेक्शन आएगा, वहाँ पे आपको नो ड्यूज़ का भी एक आपको शो होगा. तो उसमें अगर HOD की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलता है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा. तो वो भी एक प्रोसेस होता है, अगर वो क्लियर नहीं मिलेगा तो फिर आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें आने में लेट हो सकता है. अब इसमें जो लॉगिन आईडीज़ है उसके रिगार्डिंग में इंस्ट्रक्शन है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, जो आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो आपके जो कॉलेज होगा, जो आपका इंस्टीट्यूट होगा, उसके लॉगिन आईडी पे 29th of December को दिसंबर से अवेलेबल होगा. सो लाइक टुडे 28 है एंड टुमारो 29, तो जब आप कल कॉलेज जाएँ तो आप अपने कॉलेज में जो आपके जो रिस्पेक्टिव CCs होंगे या फिर HOD होंगे, आप उनसे बात करके फिर आपको वहाँ से लॉगिन जो आपके यूज़र आईडी होंगे वो वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा. फिर आप 31st of December टू 10th of January तक एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं. एंड एक मेरी तरफ से एक एडवाइस है आपको कि आप जितना जल्दी जितना पहले फॉर्म फिल कर दें उतना बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि PTU की साइट वर्किंग नहीं होता है. तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एंड डे तक वेट करें एंड देन उस टाइम पे PTU की साइट वर्किंग ना हो तो आप अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा वो टाइम पे ना फिल कर पाएँ. तो इसमें सेकंड में मेंशन है कि आप अपने जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है मीन्स आप CC HOD से कॉन्टैक्ट करके देन उनसे आप अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ले सकते हैं. एंड जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड PTU के साइट पे एंटर करेंगे, PTU का साइट है www.ptu.com. एंड उन साइट को कैसे यूज़ करना है उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. वो वीडियोज़ अभी जस्ट ही अपलोड हुआ है तो आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो मिल जाएंगे. तो ये भी इसमें मेंशन है कि लाइक अगर आपको कल मिलता है आईडी एंड पासवर्ड तो आप क्या करें, अपने फ़ोटोज़ और सिग्नेचर को भी आपको वहाँ पे अपलोड करना है. फ़ोटोज़ और आपका सिग्नेचर होगा. इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन मेंशन है कि फ़ोटो और उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कितनी लेंथ कितनी ब्रेथ होनी चाहिए. तो ये सब इसमें क्लियरली मेंशन है. सो आप कल जाकर अपने कॉलेज में मिलें. एंड ये नोटिस अवेलेबल है, आप यहाँ से भी इस नोटिस को डिटेल में पढ़ सकते हैं. देन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने पर आपको HOD की तरफ से या जो आपके CCs होंगे उनके तरफ से आपको सब्जेक्ट भी बताया जाएगा कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स को फिल करने हैं. देन जब फिल करने जाएंगे तो वहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी करके 3 सेक्शंस होंगे, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट को भी चूज़ करना होगा. देन आपको एंड में पेमेंट करना होगा. एंड जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद एक ट्रांजेक्शन रिसिप्ट भी वहाँ पे आता है, उस रिसिप्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बारे में मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में जिसमें मैंने PTU साइट के बारे में डिस्कस किया था कि आप कहाँ से उन रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो एक बार जब आप आईडी आपको मिल जाए तो आप आईडी से खुद ही जाकर PTU साइट पे एंड आप एक एक सेक्शन को ओपन करके देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है. वहाँ पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होगा, आपका एड्रेस. सो वो भी आप चेक कर लें कि आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब करेक्ट वहाँ पे मेंशन है या नहीं है. सो गाइज, आई होप कि जो बच्चे फ्रेशर होंगे उन्हें इन चीज़ों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि उनके जो एग्जामिनेशन है
जो उनके एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब से फिल होंगे, एंड अभी उनका कोई डेट शीट आया नहीं है, तो आप जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देंगे देन उसके बाद आपके जो डेट शीट है वो आएंगे एग्ज़ाम के। सो गाइज, अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आपको जितने भी डाउट्स हो उसको मैं जल्द से जल्द क्लियर कर दूँ। एंड गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।